शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। अब भावी शिक्षकों को और प्रतीक्षा करनी होगी। बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी है। यदि शिक्षा विभाग का प्रयास रंग लाया और प्रस्तावित कार्य योजना पर अमल हुआ तो भविष्य में होने वाले शिक्षक नियुक्ति में करीब 8,500 नियोजन इकाइयों की मनमानी पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। इस प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में होने वाली गड़बड़ी पर लगाम लगेगी। अब नियुक्तियों के लिए आवेदन ऑनलाइन लेने की तैयारी है। मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन बनाई जाएगी। इससे निगरानी तंत्र को मजबूत करना आसान हो सकेगा। शिक्षा विभाग ने मौजूदा शिक्षक नियोजन व्यवस्था में कील कांटे को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में होने वाले नियोजन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के निर्देश पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियोजन व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने का काम तेज कर दिया गया है। यानी अब तक जो शिक्षकों की नियुक्ति होती थी बिहार में वो ऑफलाइन होती थी। अभ्यर्थी नियोजन इकाइयों में जाकर हैंड टू हैंड या डाक के माध्यम से आवेदन देते थे। अब प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जिससे अभ्यर्थियों को फायदा तो पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और पारदर्शिता भी आएगी। लेकिन बुरी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 1,25,000 शिक्षकों की वर्तमान बहाली के अभिन्न अंग हैं। इसके बारे में शिक्षा विभाग ने कहा है कि 1,25,000 शिक्षकों को प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। शिक्षा विभाग ने वर्तमान में 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति में भी कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश से प्रदेश में जिन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों एवं 30,000 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया रुकी हुई है, न्यायालय से निर्देश मिलते ही पहले चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। इसके बाद उसके प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी और तब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इससे पहले विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाता था, उसके बाद उनके प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाती थी। यानी वर्तमान में चल रही शिक्षक नियोजन यानी इसके सारे डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा, फिर ही शिक्षकों को नियोजन पत्र थमाया जाएगा। पहले होता था कि नियोजन पत्र काउंसलिंग के साथ ही दे दिया जाता था। शिक्षा विभाग एक लंबी मुद्दत तक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट का सत्यापन करेगी, फिर नियोजन पत्र सौंपेगी। यानी शिक्षक अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा अब और बढ़ जाएगी। शिक्षा विभाग का यह बदलाव आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।